हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार आपका अपने इस वीडियो सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, दिस वीडियो गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो लिसन टू इट वेरी केयरफुली। इस वीडियो सेशन में मैं आपसे अपने वो सभी एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाह रहा हूँ जिनको अपनाकर मैंने भी TGT और PGT दोनों एग्जाम क्वालिफाई किए और मैं इस टाइम जॉब में भी हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आई नो इट वेरी वेल, द एग्जाम डेट्स ऑफ TGT एंड PGT एग्जामिनेशन हैव बीन रिलीज्ड, सो योर हार्ट मस्ट बी बीटिंग वेरी फास्ट दैट हाउ कैन वी कंप्लीट द होल सिलेबस इन सच ए शॉर्ट ड्यूरेशन। लेकिन इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अधिकतर मैंने देखा है कि जब कोई भी एग्जाम की डेट आती है, जैसे कि मेरे साथ भी यूजुअली होता था कि दिन रात दिमाग में वही बात चलती रहती थी कि अरे एग्जाम डेट डिक्लेयर हो गई है, अब इतनी जल्दी मैं तैयारी कैसे कर पाऊंगा। तो ये सभी के साथ में होता है, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो विद एवरीवन, है ना, सभी के साथ होता है। तो आपको बस ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले हैव कॉन्फिडेंस इन यू, अपने अंदर जो विश्वास है उसकी कमी ना होने दें और हमेशा अपने विश्वास को बनाए रखें। अब बात आती है कि इन सच ए शॉर्ट पीरियड हाउ कैन वी कंप्लीट द होल सिलेबस। मैंने अधिकतर देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जैसे ही एग्जाम डेट डिक्लेयर होती है तो बहुत सारी बुक्स, क्योंकि पहले से ही उनके पास होती हैं, या फिर अपने दोस्तों से या नए नए कोचिंग का एड्रेस ढूंढते हैं, और आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन कोचिंग्स ज़्यादा प्रचलन में हैं, तो सभी की स्ट्रेटेजी हो चुकी है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स वो कलेक्ट करें और उनको जो स्टडी मटेरियल के नाम पर बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और स्टूडेंट्स क्योंकि इस टाइम टेंशन में भी होते हैं कि भाई एग्ज़ाम्स आर वेरी नियर, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि ताकि हमारा एग्ज़ाम क्लियर होता है, और ये सभी चाहते हैं। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप बहुत सारे नोट्स जो आपके पास हैं उन्हें पढ़िए, लेकिन ज़्यादा किताबों को अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज ऑल्सो वन सेइंग, इट इज़ बेटर टू रीड वन बुक देन हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, यानी कि 100 किताबों को पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि एक किताब बहुत अच्छे से पढ़ ली जाए। तो आप किसी भी एक अच्छे पब्लिकेशन की एक या दो किताबें ले लें और उन्हें ही इसमें पढ़ें, और जो पढ़ चुके हैं वो उनका रिविज़न करें, क्योंकि रिविज़न इज़ वेरी मस्ट टू कवर द सिलेबस एंड टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। आप अधिकतर मोस्टली क्या होता है कि सभी स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम एक होती है कि वो एग्जाम की डेट तक भी सिलेबस को ही कंप्लीट करने में लगे रहते हैं, और इसी वजह से उन्हें रिवीजन का समय नहीं मिलता। और रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई मस्ट प्रेशराइज यू टू रिवाइज ऑल द सिलेबस यू आर स्टडिंग, है ना, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप रिवीजन में ज़रूर लीजिएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए। आई मस्ट मेंशन वन थिंग ऑल्सो, एक चीज़ और भी मैं जिक्र करना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेबस से अलग हटकर, देखिए TGT और PGT का जो सिलेबस होता है वो नेट के सिलेबस से थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स और कुछ स्टडी मटेरियल्स के नाम पर जो प्रोवाइड किया जाता है वो नेट लेवल का स्टूडेंट्स को दे दिया जाता है। अब हमें जो नीड है, आर नीड टू प्रिपेयर फॉर TGT PGT, बट वी आर वेस्टिंग आर एनर्जी इन प्रिपेयरिंग द सिलेबस ऑफ नेट एग्जाम, तो दिस इज नॉट द राइट वे टू क्लियर TGT PGT एग्जाम। नहीं, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं इस बात को, लेकिन इफ़ यू हैव सफिशियंट टाइम, यदि आपके पास पर्याप्त समय है, यू हैव 6 or 1 year टू कवर योर सिलेबस, देन यू मस्ट रीड द बुक्स ऑफ नेट। लेकिन यदि आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं एंड द टाइम इज वेरी शॉर्ट, सो दिस इज नॉट द राइट वे टू स्टडी द बुक्स ऑफ नेट। नेट एग्जाम की बुक्स ना पढ़ें, TGT और PGT का जो सिलेबस कवर कर रही हैं उन्हीं किताबों को पढ़ें। और एक बात और कहना चाहूँगा कि
आप सभी इस टाइम जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे डिस्कस तो करें, पर आफ्टर डिस्कशन आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि टेंशन से ही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होता है। आपके पास जितनी भी किताबें हैं उन्हें पढ़िएगा, चाहे वो स्टूडेंट इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, संस्कृत का हो, विच एवर सब्जेक्ट ही हैज अडॉप्टेड ऑप्टेड फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम, है ना। तो ये मेरे कुछ सजेशंस हैं और आप इनको अगर फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि फ़ायदा बहुत होगा। तो आप बहुत सारी किताबें मत पढ़िएगा, एक या दो अच्छे पब्लिकेशन की किताब ले लीजिए और उनको पढ़ना शुरू कीजिए। और क्योंकि देखिए इस बार वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा हैं और मैं समझता हूँ दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू क्रैक द एग्ज़ाम दिस ईयर। आने वाले समय में द प्रोसीजर ऑफ दिस एग्ज़ाम विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही कठिन हो जाएगा आने वाले समय में जो एग्ज़ाम का प्रोसीजर होगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि इन अदर स्टेट्स, जितने भी अन्य स्टेट्स हैं उनमें टीजीटी पीजीटी के लिए एक कॉमन टेस्ट इज ऑलवेज कंडक्टेड फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम। लेकिन एक हमारा यूपी स्टेट ऐसा है जिसमें अभी टीजीटी पीजीटी के लिए कोई भी कॉमन टेस्ट नहीं हो रहा है, माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो टीजीटी पीजीटी होती है उसमें। तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है और मैं समझता हूँ कि यदि आप ये जो आपके पास 40 दिन हैं इन 40 दिन में भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, बशर्ते अब आपको जो अन्य आपके काम हैं वो सब छोड़ने पड़ेंगे। लगभग रोज़ाना आप 8 से 10 घंटे की स्टडी कीजिएगा और मैं अश्योर करा सकता हूँ आपको कि यदि आपने इफ़ यू स्टडी फॉर 8 or 10 आवर्स डेली यू कैन क्वालिफाई द एग्जाम वेरी इजीली। आपका एग्ज़ाम बहुत ही इजीली क्रैक हो जाएगा। और ये भी आपको पता है कि इस साल इंटरव्यू नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि इंटरव्यू ना होने की वजह से आपको जो भी अपना परफॉर्मेंस दिखाना है वो रिटन एग्ज़ाम में ही दिखाना है। और रिटन एग्ज़ाम में अगर आप टॉपर्स की लिस्ट में आ जाएंगे, आई मीन टू से जितनी वैकेंसी हैं उन्हीं उसी लिस्ट में आप आ जाएंगे तो यू विल बी सिलेक्टेड, है ना, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आपको इस बार इंटरव्यू की भी टेंशन नहीं है। और आई मस्ट ऑल्सो मैंसन वन थिंग कि ये भी मैं एक जिक्र करना चाहूँगा कि इस बार इंटरव्यू ना होने की वजह से थोड़ी सी मेरिट भी अप जाएगी, इसलिए आप लास्ट ईयर की जो मेरिट्स हैं उनको कंसीडर तो कीजिए, उनके बारे में सोचिए भी, लेकिन थोड़ा सा मेरिट ऊपर जाएगी, है ना। और यदि टीजीटी इंग्लिश की जो कट ऑफ आप जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने 2016 के साथ 2021 की कंपैरिजन दिखाई है, क्योंकि मैंने 2016 में जो कट ऑफ बनाया था टीजीटी इंग्लिश के लिए सेम वही फाइनल रिजल्ट में देखने को मिला। और आई होप कि जो मैंने जो वीडियो बनाई है 2021 के लिए उसमें भी यही बात देखने को मिलेगी कि जो मैंने कट ऑफ दिया है उसी के अनुसार आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, है ना। और देखिए साथियों, ये जो हम वीडियोज़ आपके लिए बनाते हैं इसमें सिर्फ हमारा उद्देश्य यही है कि भाई आप अवेयर हो सकें और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें, उस तरह के सजेशंस मैं इस वीडियो में आपको दे दिया हूँ। और मैं यही आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों देखिए, आपके लाइक और सब्सक्राइब्स का हमें कोई भी पैसा नहीं मिलता, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है। एंड आप ये भी मानते हैं, यू ऑल हैव डन बीएड, आप सभी ने बीएड तो किया ही होगा, एंड एवरी स्टूडेंट वांट्स सम फीडबैक एंड एवरी टीचर वांट्स सम फीडबैक फ्रॉम देयर स्टूडेंट। तो सेम थिंग आई एम सेइंग टू यू कि हर आदमी अपने काम के लिए फीडबैक चाहता है, जब आप लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और उससे हमारी इच्छा होती है कि वी मस्ट मेक सम मोर वीडियोस, कि हमें कुछ ना कुछ और वीडियोस बनाते रहना चाहिए। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। आई होप आपको ये वीडियो
अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।